नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्तों तो स्वागत है सबका द्वारा मेरे YouTube चैनल लैक्टोवी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं टेक बात का एक नया एपिसोड, जिसमें मैं पूरे वीक के जितने भी टेक अपडेट है उसके बारे में बताने वाला हूं। तो लास्ट 2 वीक की बात करें तो मेरे से जो 2 एपिसोड थे वो मिस हो गए थे, लेकिन इस बार मैं एपिसोड मिस नहीं करने वाला हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं पूरा आपको जितने भी इस वीक के टेक अपडेट है बताने वाला हूं। तो सबसे पहले जो अपडेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 4G गेम के बारे में, जहां तक उसके जो फाउंडर है उन्होंने ऐसा बोला कि जल्द ही इस वीक में आपको जो 4G गेम है वो देखने को मिल जाएंगी। तो चलो देखते हैं कब तक वो लीज होते हैं। उन्होंने ऐसा बोला कि इस मंथ में, तो इस मंथ की बात करते तो थोड़ा टाइम रह गया, ज्यादा टाइम तो नहीं है, आई थिंक 10-12 दिन है, तो जल्दी वो गेम आपको देखने को मिल जाएंगी। तो आगे अपडेट की बात करें तो वो वाला जहां से ट्रूकॉलर की ओर से, जहां पे ट्रूकॉलर ने एक अपडेट दिया अपनी ऐप के अंदर, उसमें क्या है कि अगर आप ट्रूकॉलर ऐप इंस्टॉल करते हो उसके बाद आप किसी को कॉल करते हो ना, तो आप एक जो है फ्लैश मैसेज उसमें ऐड कर सकते हो। आपने जैसे कर दिया कि आपको किसी को बुलाने का है कि घर से बाहर, आप उसके लिए उसको कॉल कर रहे हो, तो आप वहां जो फ्लैश मैसेज टाइप करके भेज सकते हैं। तो जैसे ही वो बंदा आपकी कॉल देखेगा, वो सबसे पहले देखेगा कि नीचे फ्लैश मैसेज कौन सा है, जो मैसेज आपने टाइप करके उसको कॉल किया वो मैसेज कॉल उठाने से पहले ही देख लेगा। हो सकता है वो कॉल उठाने से पहले ही आपके घर के बाहर आ जाए। अगर आपके पास है नेटफ्लिक्स, तो आगे अपडेट वो ही आ रहा है नेटफ्लिक्स की ओर से, जहां पे नेटफ्लिक्स ने बोला कि जल्दी वो आपको पूरा 1 वीक फ्री में नेटफ्लिक्स देखने के लिए मिलेगा। तो वीक की बात करें तो अभी तक पूरा कंफर्म नहीं है कि कौन से वीक में आपको फ्री नेटफ्लिक्स देखने को मिल सकता है, लेकिन हो सकता है इसी मंथ मिल जाए या फिर नेक्स्ट मंथ मिलता है, लेकिन आपको पूरा वीक जो एक फ्री में नेटफ्लिक्स देखने को मिल जाएगा। आगे अपडेट की बात करें तो जहां पे आपको रिलायंस जियो की तरफ से जो अपडेट है वो देखने को मिल रहा है, जहां पे सबसे पहले जो अपडेट है रिलायंस जियो की तरफ से वो जिया कि इन्होंने अपनी जो 5G की स्वीट है वो टेस्टिंग किया, जहां पे उनको स्पीड 1 GB/s आपको देखने को मिली है। तो हो सकता है कि जब आपको जो स्पीड मिले आपको पूरी 1 GB जो है वो पर सेकंड के अकॉर्डिंग नहीं देखने को मिलेगी, हो सकता है आपको काफी कम देखने को मिले। आई थिंक जो स्पीड होगी आपको 100 MB या फिर 200 MB के आसपास देखने को मिलेगी, जो अगर आपके पास 5G मोबाइल है या फिर 5G नेटवर्क है दोनों के साथ, अगर दोनों चीज आपके पास है फ्री आपको जो स्पीड देखने को मिलेगी। फिलहाल अभी देखते हैं कि कब जो लॉन्च होता है, अभी तो बहुत टाइम है इसको 5G लॉन्च होने को, लेकिन टेस्टिंग की बात करें तो ऑलरेडी जो टेस्टिंग में रिजल्ट आया वो 1 GB/s के अकॉर्डिंग आया है। तो एक और जो अपडेट है रिलायंस जियो की तरफ से आ रहा है वो जो है कि रिलायंस जियो प्लस क्वालकॉम जो मोबाइल तैयार करें उसमें आपको जितने भी नए मोबाइल देखने को मिलेंगे 5,000 से कम जो जियो मोबाइल लेके आएगा 5,000 से कम आपको उसका प्राइस देखने को मिलेगा, जिसमें आपको क्वालकॉम की चिप देखने को मिलेगी। तो ऑलरेडी रिलायंस ने ऐसा बोला कि अगर उनके जो ज्यादा यूनिट मोबाइल के बिकते तो वो प्राइस 5,000 से 2,500 या 3,000 भी कर देंगे। अपडेट की बात करें तो वो आ रहा है लावा की ओर से, लावा जल्दी ही अपने जो टैबलेट और मोबाइल या फिर नोटबुक जल्दी लॉन्च करने वाला है, उन्होंने ऑलरेडी ऐसा अनाउंस कर दिया है। तो हो सकता है जल्दी आपको लावा के लैपटॉप भी देखने को मिले, तो काफी सही बात है, जहां पे जो इंडियन ब्रांड है वो अभी आगे आ रहा है। पहले तो माइक्रोमैक्स के ऊपर भी मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई थी कि जल्दी माइक्रोमैक्स अपने जो स्मार्टफोन है वो भी लेके आ रहा है, लेकिन जहां पे लावा भी अभी बहुत जल्दी उनके बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है जो आपको मार्केट में देखने को मिल जाएंगे। अपडेट की बात करें तो वो हुवावे की ओर से आ रहा, जो हुवावे की मोबाइल सीरीज मेट 14 जो लॉन्च होने वाली है उसके जो हाई वेरियंट है उसकी बात करें तो जहां पे आपको हाई वेरिएंट में उसको जो पेंटा कैमरा वो देखने को मिल जाएगा। पेंटा कैमरा अगर आपको नहीं पता मैं बता देता हूँ, पेंटा कैमरा होता है 5 कैमरा, जो पीसी वाली साइड में आपको 5 कैमरा देखने को मिल जाएगा। क्वाड कैमरा की बात करें तो उसमें 4 कैमरा होता है। तो जहां पे हुवावे के जो मेट 40 है उसमें आपको हो सकता है कि पेंटा कैमरा देखने को मिल जाए। आगे अपडेट की बात करते हैं तो वो आ रहा है OnePlus 9 की तरफ से, OnePlus 9 के कुछ ऐसे हमको र्यूमर्स बोलो जहाँ फिर लीक्स ऐसे निकल के आए हैं, जिसमें उन्होंने बोला है कि हो सकता है कि OnePlus जो 9 है वो नेक्स्ट ईयर मार्च तक आपको देखने को मिल जाएगा। काफ़ी सही है, आई थिंक अगर उससे पहले थोड़ा लॉन्च होता तो काफ़ी सही है, अगर OnePlus 9 पहले इसी ईयर में अगर लॉन्च होता तो बहुत सही हो सकता था। हो सकता है हमको एक और 5G जो मोबाइल है OnePlus की ओर से देखने को मिल जाता, लेकिन उन्होंने इस बार बोला कि ये आपको मार्च में देखने को मिल जाएगा। तो हो सकता है उसके बीच कोई दूसरे जो OnePlus की तरफ से कोई और मोबाइल है वो आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन जो OnePlus सीरीज के जैसे 8, 7, 7T, 8T जो है और उसके बाद जो 9 आ रहा है वो आपको नेक्स्ट ईयर मार्च में ही देखने को मिलेगा। आगे जो अपडेट निकल के आ रहा है वो आपको बताता हूँ कि जो 1.5 लाख का मोबाइल है तो उसका जो नाम है iPhone Pro Max ऐसा करके जो नाम है, उसकी बैटरी की जहां पर बात करें तो आपको 3687 mAh का जो बैटरी है वो देखने को मिल रहा है, जहां पर आपको 6,000, 5,000, 4,000 ऐसा कुछ भी बैटरी देखने को नहीं मिल रहा। तो आपको 1.5 लाख देने का तो जो आपको बैटरी बैकअप उसमें मिलेगा, जो बैटरी की पावर है वो आपको 3687 mAh है वो देखने को मिलेंगी। तो 1.5 लाख आप खर्च रहे हो तो यार आपको थोड़ा बैटरी तो कम से कम 4,000 mAh तो होना चाहिए, ये क्या है। चलो
इसके बारे में ज़्यादा ऑलरेडी मैं ऑलरेडी इसके ऊपर जो पूरी जो 12 सीरीज आईफोन की इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई है, अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ वो भी देख लेना। तो जय या तो मैंने आज एक मोबाइल है जो ऑर्डर किया था जो फ्लिपकार्ट के ऊपर से, मैंने जो नॉर्जो 20 है, रियलमी नॉर्जो 20 मेरे को 10,500 के करीब पड़ा था SBI का कार्ड लगा के। उसकी बैटरी की बात करें तो वो मेरे को CARMH का बैटरी उसमें देखने को मिला था, लेकिन ये 1.5 लाख के ऊपर का मोबाइल है जिसमें आपको बैटरी भी 3687 mAh देखने को मिल रही है। तो चलो ठीक है, क्या कर सकते हैं। तो बस यही था आज के टेक बात में, जितने भी अपडेट थे जो मैंने आपको बताए, जो मेरे को सही अपडेट लगे कि आपको बताने चाहिए इस वीक में कौन कौन से टेक बात में अपडेट आ रहे हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, कमेंट भी जरूर करना। जो दोस्त में नए हैं जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई प्लीज वो भी थोड़ा सा टाइम निकाल के सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।